पब्लिक चैनल से। दोस्तों आज मुमरा कौसा के लिए एक सुधार का बहुत बड़ा मुहिम चालू है कि मुमरा कौसा को हम किसी ना किसी तरीके से एक अच्छी क्वालिटी और अच्छा यहाँ पर हम काम हर चीज़ का रोड से लेके और बिल्डिंग से लेके हर चीज़ तक हम देंगे। और वही मुमरा कौसा में शुरुआत जो हुई है वो रोड के साफ सफाई से लेके हुई है, जैसे कि रोड के ऊपर ट्रैफिक रमजान के महीने में बहुत बड़ा एक मुद्दा रहता था, लेकिन इस साल जो है वो मुद्दा नहीं है के बराबर एकदम, उसमें कुछ दो राय नहीं है कि हाँ ट्रैफिक है, ट्रैफिक वहां पर नहीं है। और इसी चीज को लेके कहीं आज जो है हमारे मुमरा कौसा के सरजमीन पर कमिश्नर, हमारे थाना कमिश्नर जो है विवेक, थाना कमिश्नर साहब जो है आज मुमरा कौसा में आए थे और मुमरा कौसा के पुलिस स्टेशन में आज उन्होंने एक सरप्राइज दिया कि मुमरा कौसा में इतना अच्छा काम हो रहा है तो वहां मुझे आज विजिट करना चाहिए। वहां के जो एक अधिकारी थे मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ सीनियर और जो वहां के, सब एकदम से हैरान हो गए कि कमिश्नर साहब आज मुमरा कौसा के पुलिस स्टेशन में आए हैं। ये बड़ी अच्छी संदेश है मुमरा कौसा के लिए, इससे लग रहा है कि कानून कहीं ना कहीं भेदभाव नहीं कर रही है, हर लोगों को एक नजरिए से देख रही है। और यही एक अच्छी चीज है जो थाना कमिश्नर जो मतलब एक लॉ एंड ऑर्डर को जो है एक मतलब अच्छे तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं और क्राइम ना के बराबर मुमरा कौसा में अभी दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लगता है कि लोगों की ईद बहुत अच्छी जाएगी, भले किसी का अगर ये सही बात है कि अगर किसी 10 को अगर फायदा पहुंचाना है तो एक का तो नुकसान करना ही पड़ेगा, ये बहुत सही किसी ने कहा है। अगर 1000 लोगों की खुशी को हम चेहरे पे खुशी आती है तो 2-4 लोग अगर मायूस भी होते हैं तो उसे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आइए खुद ने कमिश्नर साहब से बात करने की कोशिश की है तो आइए खुद सुनिए कि मतलब वो अपने जबानी क्या मुमरा कौसा को संदेश देना चाहते हैं। मुमरा में आज आए हैं और मुमरा के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे पब्लिक चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं, हमारे मुमरा के लोगों को मैं एक तो रमजान की बधाइयाँ देना चाहता हूँ। रमजान का महीना चालू है और हमारा विभाग और हमारे लोग पूरी तरह से जुटे हुए हैं कि शांति और आनंदमय वातावरण में ये त्यौहार, उनका रमज़ान और ईद सब हो। व्यवस्था बहुत चुस्त और मजबूत है। इस बार सर पुलिस ने बहुत बहुत बड़ा काम करी है मुमरा कौसा के अंदर और काफ़ी हद तक अच्छा हो रहा है, तो इसी तरीके से आगे भी होते रहेगा? भाई पुलिस तो हमेशा प्रयास करती है कि काम अच्छा हो और लोग खुश रहें और लोगों का भी हमें सहकार्य मिल रहा है। हमारे ट्रैफिक के ऑफिसर हैं, इंस्पेक्टर लंबा थे, हमारे सीनियर PI कर्ड हैं, ACP और DCP, सभी लोगों ने अच्छा काम सब हमारे कर रहे हैं, ऐसे आप ही कह रहे हैं तो खुशी की बात है। नहीं सर, बहुत अच्छा काम मुमरा में हो रहा है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे कुछ दुकान वालों को भी लेके बहुत सारा समस्या आया है, यहाँ पे मसला हुआ है, लेकिन ये दुकान वाले अभी तक दुकान लगा नहीं पाए हैं, तो इनके लिए आपने क्या सोचा? भाई देखिए, कानून और व्यवस्था बनी रहेगी, कानून के तहत, कानून के अंदर जो संभव है वो होगा और कानून के तहत जो संभव नहीं है वो नहीं होगा। क्या है पब्लिक चैनल पे कि कमिश्नर साहब आए थे और यहाँ मुमरा वासियों को एक बहुत अच्छा संदेश देके गए हैं कि मुमरा में एक शांति और बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं मुमरा को। इसी तरीके से हमारी पूरी टीम, जो हमारे यहाँ सीनियर साहब है मधुकर कर साहब और हमारे धूमाल साहब भी है, DCP साहब भी हमारे हैं, उनसे मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। सर ये मुमरा में बहुत अच्छा इस वक्त माहौल चल रहा है, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, सर इसके बारे में आप मुमरा के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? के लोगों को मैं पुलिस दल की तरफ से, पूरा थाने आयुक्तालय की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ और अच्छे से ये त्यौहार मनाया जाए, शांति और उल्लास से मनाया जाए, इसकी अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। ठीक है सर, आपको तो आप तो हमेशा चर्चे में रहते ही हैं मुमरा कौसा के अंदर और बहुत अच्छा काम आप भी कर रहे हैं सर, और मुमरा इसी तरीके से हमेशा, मुझे उम्मीद है कि मुमरा पुलिस स्टेशन से लोगों को इसी तरीके से एक मतलब आस मिलती रहेगी और उनको हर इंसाफ उनको मिलते रहेगा। सर बिल्कुल, सभी मुमरावासी भाई बहनों को रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो भी रोजगार शांति घर लेता है वो कम से कम समय में उसके घर पे पहुँचे और वो कम से कम समय हमने तय किया है कि 10 से 15 मिनट में वो पहुँचे। तो बहुत से प्रतिक्रिया आ रही थी, लोग भी काफ़ी
आलम भी है इसके बारे में। जी सर, नहीं ये अच्छी बात है। और यहाँ पर हमारे सीनियर पीआई मधुकर कर साहब भी हैं जो बहुत मेहनत मुमरा कौसा को कर रहे हैं और अच्छा संदेश मुमरा कौसा के वासियों के लिए है। कुछ लोग इनके खिलाफ भी है, कुछ लोग इनको चाहते भी है, तो इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? जो लोगों में शांति चाहिए रमजान में, वो हम देने को तैयार है। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द पब्लिक, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो सिक्योरिटी और सेफ्टी हम लोग देंगे। उसके लिए जो मेहनत करनी है करेंगे। मैं लालू मशेक फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँगा, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।